हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी, जिन्होंने तीन तलाक के बिल पर शानदार तर्क रखा था लोकसभा में, जिसकी तारीफ केंद्रीय कानून मंत्री ने भी की। मीनाक्षी जी, एक ऐतिहासिक दिन, एक बड़ा दिन, लेकिन जिस तरह से तर्क रखे गए कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है, 3 साल की सजा नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये सब तर्क जो है बेबुनियाद है, क्योंकि ये सब तर्क सुप्रीम कोर्ट के आगे रखे गए थे और बावजूद इन तर्कों के सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों के बावजूद इसको असंवैधानिक घोषित किया है। तो ये तर्क बाद में लोगों को कंफ्यूज करने के लिए पैदा किए जा रहे हैं। बल्कि एक तर्क और रखा गया था सुप्रीम कोर्ट के आगे, और वो ये था कि ये सुप्रीम कोर्ट इस पर कानून बनाने, इस पर अपना फैसला देने से बचे। ये लेजिस्लेचर का मामला है और इस पर केवल संसद कानून बना सकती है। अब संसद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सपोर्ट में कानून बना दिया, तो उसमें तकलीफ है। लोकसभा में जो तर्क आपने रखा, आधे घंटे से ज्यादा समय तक आप बोली, पूरे मुस्लिम लॉज के बारे में बोली, वो साफ साफ कह रहे हैं कि धर्म का मामला है। ये गुमराह किया जाता है, कोई आपको बताता नहीं है कि कुरान के मुताबिक आदमी, औरत, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, काला सफेद, सब बराबर है। किसी में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ दो लोगों में अंतर है, पढ़े और अनपढ़ में। और पढ़े और अनपढ़ का जो अंतर है, वही ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, उसी का ये शोषण करते हैं। लोगों को पढ़ने नहीं देते, लोगों को सही बात समझाने नहीं देते, सिर्फ मजहब 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 का नारा लगाते हैं, क्योंकि मजहब में कहीं ये जिक्र नहीं है। ना ये जिक्र कुरान में है, ना ये जिक्र चार खलीफाओं की बात में है। से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मीनाक्षी जी का साफ साफ कहना है कि 3 तलाक धर्म का हिस्सा नहीं था, बल्कि सामाजिक कुरीति का हिस्सा था, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो वास्तव में मुस्लिम धर्म के लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। संसद भवन से कैमरा पर्सन फैजल के साथ संतोष पाठक, समाचार प्लस के लिए।